हेलो फ्रेंड्स, लेट्स शूट में आपका स्वागत है। आप लोगों ने सेल्फ स्टडी पर वीडियो बनाने के लिए काफी कमेंट्स किए थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि हम लेकर आए हैं सेल्फ स्टडी पर यह वीडियो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन कैसे स्टार्ट करें ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ये स्मार्ट टिप्स ना केवल आपको बेहतर स्टडी में मदद करेंगे बल्कि आपके समय का सही उपयोग करने में भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर एक है, सेल्फ स्टडी के लिए सुबह का समय चुनें। सभी सफल लोगों की एक कॉमन आदत होती है कि वे अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं, इसीलिए अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें। इस तरह आपको पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा। साइंटिफिकली सेल्फ स्टडी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का होता है। इस समय में आपका दिमाग के न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रात में पढ़ना प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि सुबह ह्यूमन ब्रेन सबसे अच्छा काम करता है। टिप नंबर टू है कॉन्सेप्ट मैपिंग। जब आप अपने चैप्टर पढ़कर समाप्त कर ले तो उस चैप्टर के लिए चीट शीट बनाने का प्रयास करें और शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें जो आपको रिवाइज करते समय आपकी हेल्प करेंगे। टिप नंबर थ्री है सेल्फ स्टडी करते समय सोशल मीडिया से दूर रहे। सोशल मीडिया सेल्फ स्टडी के समय आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करने से समय की भी काफी बर्बादी होती है। यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के प्रयोग से बचना चाहिए। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा ब्राउज करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। टिप नंबर फोर है फ्लैश नोट्स तैयार करें। इंपॉर्टेंट आंसर्स के फ्लैश नोट्स बनाएं और उन्हें दीवार, रेफ्रिजरेटर या अपने बेडरूम में चिपका दें। इन चीजों को समय समय पर देखते रहने से निश्चित रूप से आपको इंपॉर्टेंट आंसर्स को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। टिप नंबर फाइव है सेल्फ स्टडी करते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। स्टूडेंट्स डिस्कम्फर्ट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर आसानी से परेशान हो जाते हैं। शोर के बारे में शिकायत ना करें, अपने टीचर्स के बारे में शिकायत ना करें और शिकायत ना करें कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, बस उनका सही उपयोग आना चाहिए। आराम प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और एक बार जब आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर हो जाएंगे तो आप अधिक प्रोडक्टिव और अधिक क्रिएटिव हो जाएंगे और आप परिवर्तन को आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन सभी टिप्स को फॉलो करें, क्योंकि ये टिप्स साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।